तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो कि ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन के बारे में तुम बात करोगे तो रेशियो ऑफ द एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसकी एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी और एवरेज टोटल एनर्जी का हमें रेशियो निकालना है। तो एवरेज इलेक्ट्रिकल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो हाफ, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में से एप्सिलॉन नॉट ई नॉट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है बी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हमने पता, तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट। अब तुम देखोगे तो हमें इसमें इससे सबको ई नॉट के टर्म में लिख लेते हैं, तो हम सबको पता है कि जो ई नॉट है वो सी टाइम्स बी नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से बी नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी वो ई नॉट अपॉन सी आ जाएगी। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा हाफ, यहाँ से मैं देख लूँ एक बार, वो मिलेगा मुझे हाफ ई नॉट का स्क्वायर और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट प्लस हाफ यहाँ से म्यू नॉट और यहाँ से तुम देखोगे बी नॉट, तो ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी का यहाँ से स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तुम देखोगे तो ये वाली जो चीज़, अब यहाँ से तुम हम सबको पता है कि जो सी की वैल्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट के बराबर होती है अंडर रूट, यहाँ से तो इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े आराम से एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस वन बाई टू टाइम्स म्यू नॉट और यहाँ से ई नॉट का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट यहाँ से। तो ये यहाँ से म्यू नॉट, एक म्यू नॉट को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो ये जब पूरा तुम जोड़ोगे यहाँ से ई नॉट का स्क्वायर आएगा और एप्सिलॉन नॉट यहाँ से बच गया, ये एप्सिलॉन नॉट बच गया, तो ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ से एम्पलीट्यूड ई नॉट का स्क्वायर बच गया ये। तो दिस इज़ बेसिकली एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो कितनी होगी मेरे भाई, तो एवरेज इलेक्ट्रिकल की रेशियो और एवरेज टोटल की, तो एवरेज इलेक्ट्रिकल कितनी थी, हाफ यहाँ से एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और यहाँ से डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, तो ये सब कट जाएगा तो वन बाई टू रेशियो आएगा, मतलब वन रेशियो टू, तो वन बाई टू रहेगा, तो वन बाई टू का मतलब कितना होता है, दैट इज़ फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये सारे अपने गलत हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।